आप इतनी टेंशन ना दो, लिया करो। यही ले लो। माशाल्लाह कुरान पाक भी पकड़ा हुआ है और हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह माशाल्लाह आज आता कुरान पाक पढ़ा। आज माशाल्लाह से जुमे का मुबारक दिन है और जुमे के मुबारक दिन में मुबारक लोग जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। हरीम जो है ना ये आज चेक कर रही है, कहती बाबा नहीं पढ़ते कुरान पाक। बाबा आपको नहीं आता, आपको पहले हमने ना वो नूरानी कायदा और उस पे लगाना है नमाज पे, लेकिन आज भी जो है ना सबूत दे रहे हैं। आता शहजाद माशाल्लाह बड़ी प्यारी किरत करते हैं। मुझे हमने तो खाला जी से पढ़ा हुआ है, हमें सीधा सीधा पढ़ना आता है जो देसी तरीका होता है। ये तो बड़ी किरत के साथ खुश लखानी के साथ माशाल्लाह तिलावत कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे। अभी जुमा पढ़ के आ गए हैं, बच्चे तो आते ही खैर जाके चढ़ के उधर टीवी चला के बैठ गए। हरीम यहाँ पे सुन, हरीम देख लो बाबा को आता है, सुन लो बैठ के यहाँ पे। ठीक आ रहे? अब से आज से आपने बाबा से पढ़ा करना है। क्यों? जरा इधर देखें आप अपना नूरानी चेहरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सफेद सूट के साथ माशाल्लाह कुरान पाक भी पकड़ा हुआ है और हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह। ये दिन देखना अल्लाह ने, शुक्र है इस रमजान मुबारक में। तीसरा जुमा आ गया ना रोजों का? हाँ तीसरा, तीसरा ख्याल नहीं है, यही है तीसरा जुमा है आज। और ये आज ना रीम को चेकअप, कुरान पाक पढ़े थे, इसको आवाज दी है कि मिमी आओ आके देखो कुरान पाक पढ़ रहा हूँ मैं। बड़े तेज बच्चे हो गए आजकल के। अभी जो इसके भाई है ना वो भी देखे वो क्या कर रहे हैं, उनको भी बुलाते हैं फिर। वो एज यूजुअल अभी जब फ्री होते हैं ना उसके बाद ये देखे उन्होंने अपनी बस गेम्स। वो देखो बाबा बाहर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ना, जुमा पढ़ के आके लेट गए। अलीजान रात को पढ़ेंगे। हरीम यहाँ पे सही काम कर रही है अपना, तो चलें शुक्र आज हमारा पंखा ठीक हो गया, हम दोबारा इस रूम में शिफ्ट हो गए हैं। और अभी पता नहीं इनको ठंड लग रही है, तबीयत खराब है, ये तो नहीं चला रहे, हम तो चला के बैठे हुए हैं। जुमे का मुबारक दिन है, ये मुबारक टाइम, ये घड़ी मैंने देख ली थी, यकीन करें मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। मोबाइल पे तो कभी पढ़ लेते होंगे वरना मैंने नहीं देखा इनको जल्दी। अल्लाह नजरे बस से बचाएगा। मैं सोच रही हूँ कोई गीर भी ला के ऐसे करके बार के ऊपर से ना पैसे कह दे यार। मैंने जुम्मे के दिन जो है ना वो अपना नया ड्रेस पहना, इधर दिखाऊं उसको बार के ना जला दो आप। नहीं है, ये आपका फेवरेट है इसलिए मैं जलाना नहीं है, दुख बड़ा होगा लेकिन कोई चीज वारू मैं। ठहरो ठहरो ठहरो, आज आज ना कोई संध्या करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आज आता हमने कुरान पाक पढ़ा, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हिम्मत भी एक दे रोज पढ़ने की। सात दफा कहते उल्टा भी कर ली जाते, सही भी कर ली, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज जो है ना बच्चों की फरमाइश थी, आज रोजा है सबका, तो बच्चों की आज फरमाइश थी कि चिकन कढ़ाई बनाएं और चिकन कढ़ाई मैं बनाऊं, तो आज मैंने डिसाइड किया कि चिकन कढ़ाई मैं बनाऊंगा। उसके लिए बेसिक चीज़ें जो है हमने प्याज वगैरह काट के दे दिए, तो ये हमारा जो है ना तकरीबन एक किलो से थोड़ा कम है चिकन, ये हमारा चिकन है। चिकन की कढ़ाई बनानी है हमने, और बनानी भी हमने नेचुरल पॉट के अंदर है, मड पॉट के अंदर बनानी है हमने। तो ये बहुत आसान कढ़ाई का तरीका है, ये यहाँ की हमारी एक फेमस रेसिपी है, वहाँ जाके मैंने खड़े होके वहाँ काफ़ी दफ़ा देख के मैंने वहाँ से सीखी है कि क्या कैसे बननी है। इसको बहुत सिंपल चीज़ है, ये हम बना रहे हैं इसमें। वैसे आपको इसको और भी एक शॉर्टकट तरीका है, वो मेरे दूसरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसकी रेसिपी का लिंक। तो ये जो ना इसमें सबसे पहले हमने चिकन डालना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ जो करना, ये हमारे पास जो है ना अदरक का पेस्ट है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है, और ये प्याज है, प्याज तीन मीडियम साइज के प्याज कटे हुए हैं, ठीक है, ये आपने डाल लेने हैं। और इसके साथ जो है ना इसके अंदर टमाटर के हमने जो है ना ये बना के रखे हुए हैं, ये टमाटर का एक क्यूब ये जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ हमने इसके अंदर जो नमक मिर्च है, ये हल्दी है, ये एक किलो के करीब आलमोस्ट, तो पौनी तकरीबन हल्दी की जो एक टी स्पून है ये डालेंगे हम। और कढ़ाई ये पौना किलो ही है, तो पौना किलो ही इसमें तकरीबन जो है ना नमक जाएगा हमारा, ठीक है। और सेम रेशियो में हमारी जो कुटी हुई पिसी हुई जो मिर्च है ना वो जाएगी ये इतनी तकरीबन। और इसके साथ दर्जड़ी मिर्च है, हाँ है, वो दूसरे वाले में होगा, लास्ट वाले में किसी में,
नजर आइए। हाँ, ये आधी तकरीबन हम ये डालेंगे इसमें। ये डाल के ना आपने इसमें क्या करना है, ये हमारा मसाला हो गया पूरा। अब इसके अंदर आपने पानी डालना है, पानी आपने इतना डालना है कि ये 10 से 12 मिनट जो है इसके अंदर जो है ना गिलावट डालनी है हमने। सबसे पहले इसको भूनना नहीं है, ये डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। चिकन को फ्राई करके नहीं बनाना है, आपने पहले चिकन को उगलाना है और इसके साथ ही सब चीज़ें जो है ये गल जाएंगी। गला के उसके बाद आपने इसको भुनी लगानी, भुनी लगाने के बाद आप इसने योगर्ट इसके अंदर ऐड करना, योगर्ट लगा के फ्राई करना और फाइनल मसाले वगैरह डाल के इसको डिश आउट कर लेना। दैट्स इट जो है ना। अभी हमने थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए इसको पानी में दम दिया था, उठाएं इसको ज़रा। और अभी इसमें ऑयल डाल के ना इसको फ्राई करेंगे। ये चिकन हमारा गल चुका है, अब जो है ना इसको हमने फ्राई करना है। अब 5-7 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, इसकी शक्ल देखेंगे कितनी प्यारी आनी शुरू होगी अभी। और फ्राई करने के बाद जो है ना फिर इसमें योगर्ट डालेंगे फ्राई करने के बाद। ये सारा कुछ ही अच्छा सा गल गया, इकट्ठा ही परफेक्ट बनता जा रहा है। मुझे तो अभी ये टेंशन लगी थी जब मैंने इसे खोला है ना, मुझे लगा नीचे ही ना लग जाइए। थोड़ा सा हुआ है रखने के, नहीं नीचे नहीं लगा, ये साइड पे वैसे हुआ है, ये नीचे नहीं लगा कुछ भी। वो मैंने इसको चेक कर लिया था, हमने इसको ढक्कन दिया था ना आज, इसको बिल्कुल हमने वो प्रेशर कुकर में जो प्याज वगैरह गलाते हैं वो नहीं किया। घी नहीं डालना इसमें, घी डाला है मैंने, थोड़ा सा और डाल दूँ तो कम है। ये जो इस तरह के आइटम है वैसे खाने नहीं है, मैं इतनी घी वाली चीजें चाहिए पर इनकी लुक नहीं आती। हाँ, अच्छी लुक नहीं आती घी इसके बाद। ये अब आना शुरू हो जाएगी वो मसाला, मैंने सारा उसको फ्रेश ही जो है ना वो पीस दिया। ठीक है, वो आप कह रहे थे कि ये दिखाएं जरा करीब से, क्लोज करके जूम आउट करें ना, जूम आउट करके ये देखिए, वो पूरी स्क्रीन में आना चाहिए। ठीक है, पूरी स्क्रीन में आ रहा है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। इसको फ्राई करते हैं, इसमें बाकी मसाले वगैरह डालते हैं और इसको डिश आउट करके करने से पहले आपको फिर दिखाते हैं। नहीं, इसको हमने डिश आउट नहीं करना, इसी के अंदर, इसी के अंदर ही करना। हाँ, इसी के अंदर रखेंगे, अभी पहले रोटी बनाएंगे ना जाके तंदूर के लिए, वो मैंने गूंदा है आटा, इसको फ्राई करना है 5-6 मिनट, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे भुनेंगे। उसके बाद इसको जो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जो है ना इसके अंदर हम योगर्ट डाल देंगे, थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे। उसको हमने बस पकाना नहीं है, वो बस हमने थोड़ी सी देर के लिए छोड़ना है ना, बस 1 मिनट के लिए हम रखेंगे ऑयल के अंदर, तो उसका वैसे ही आ जाना कलर उसका। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे कुछ और बच्चे भी आ गए हैं इस टाइम पे आते हैं। पंखा लगाता हूँ, वो भी दिखा के हैं जरा, पंखा लगा के अच्छा हैं। मैं का जो ना पुराने पंखे का मैं वो जुगाड़ लगाया, क्या जुगाड़ लगाया मैंने इसको लगा के, क्या कहते हैं, कैपेसिटर चेंज करके। अभी देखते हैं, मैं चलाते हैं, चलते हैं साथ। चलो भाई दिखाओ, हुआ कुछ? इजान और अली ने तो टेंशन डाली हुई थी, अभी पंखे का काम कर रहे हैं साथ ही। तो वो दूसरा, हम तो वो तो मुझे लगता है किसी को बुलवा के लगाना पड़ेगा ना, उसके लिए फिर बेहतर है कि दरमियान में ही। आज तो बहुत काम शुरू कर लिया, ये इसे पहले हमने साफ किए थे, दोबारा सेल की। तो क्या कैपेसिटर? कैपेसिटर नहीं, नट ये लगाते हैं इसको, लगा दे, नट के बगैर तो कोई हाल नहीं। यार ये क्यों नहीं घूम रहा? नट के बगैर हाथ तो असला नीचे गया, नहीं गिरता नीचे इंशाल्लाह, नहीं गिरता। आप इतनी टेंशन ना लिया करो बाबा। ये जो है इसका कैपेसिटर चेंज किया, मुझे पहला डाउट उसी पे गया कि कैपेसिटर जो है ना शायद कैपेसिटर ना फर्क हो गया हो। इजान उल्टा घूम रहा था पंखा, इजान ने हमें बताया, इजान का बेड बिल्कुल इसके नीचे होता है और इजान कहता है ये पहले इस साइड पे घूम रहा था, उसके बाद ये उस साइड पे घूमना शुरू हो गया। हमें तो फिर टेंशन थी, इमरजेंसी में पंखा भी ले आए थे कि अगर वो तो लगाना ही है, वो तो हमने चेंज करना था पहले, इसने पता नहीं स्मार्ट सिस्टम के थ्रू फैन ने भी समझ लिया। वैसे तो मोबाइल पहले सुना था कि बातें सुनते हैं मोबाइल, लेकिन यहाँ पे हमारा तो पंखा भी सुनना शुरू हो गया। हाँ। यहाँ पे हमारी टेंशन ये है कि इस कमरे में हमारे जो है ना वो बेड है बच्चों के, तो बच्चे सोते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह, कल का दिन बड़ा तंगी में हमने गुजारा है। बच्चों की तो आपस में अली जान एक जगह पे लेटे थे, तो इनकी तो लड़ाई बड़ी होती है। नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा ही चलेगा, वो चिड़िया आप तो कुछ खा लिया करो। ठंडी हवा दे रहा है कि नहीं जान? क्या हवा बंद है? अभी तो किचन से आए, हवा भी नहीं फील हो रही। देखते हैं ये जो ना
उम्मीद तो है कि ये काम करेगा। ना किया फिर बंदा बुला के फिर वो लगवा लेंगे, यही है वरना रोजों के बाद फिर लगवा ले। लाल है ना, हाँ तो जब ग्रीन होगी ठीक हो जाएगा। चल इंशाल्लाह उम्मीद है ये दोबारा चेक करेंगे शाम को कवर हो जाएगा। मुझे बड़ी ना आप मेरे आगे ठुम ठुम करते हुए क्यों जा रहे हो हैं? क्या बना? कढ़ाई माशाल्लाह फ्राई हो रही है यहाँ पे, रोस्ट हो रही है। इसको रोस्टिंग करते हैं इसकी 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद यूगर डालते हैं। अभी फिलहाल जो है ना प्याज जो है थोड़ा सा उसका दाना है, बाकी अभी जैसे जैसे फ्राई होगी इसकी आग थोड़ी सी तेज करते हैं। अभी आग कम है इसकी हुई, मैंने खुद ही थोड़ी सी सब भूने और फिर यमी 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 सब बनाए फाइनल लुक। तो फिर वो बच्चे बताएंगे। चिकन को फ्राई फुल कर दिया है हमने, अभी इसके लुक दिखाए हैं। अभी इसके टाइम हो गया है, उसके बाद योगर्ट डाला है मैंने, योगर्ट डाल के इसको फ्राई लगा रहे हैं। थोड़ा सा उसको भुनेंगे और साथ ही गरम मसाला कुटा हुआ जाना ये दिखाएं, गरम मसाला कुटा हुआ इसके अंदर थोड़ा सा ये डालेंगे और साथ में जीरा, जीरा भी ये दलदला किया हुआ है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जीरा का भी आधा चम्मच ये डाल के इसको दम दे देंगे। दम देने के बाद जो है ना अभी तंदूर पे रोटियां लगानी है जाएंगे, और आज बच्चे जो है ना ऑफर कर रहे हैं हमें ऊपर आज छत पे जो है ना इफ्तारी करेंगे, आउटडोर इफ्तारी करेंगे। आज मौसम बहुत प्यारा है ना, वो उन्होंने आके स्कूल से कुछ भी नहीं खेला, वो कह रहे हैं कि अभी बंद कर देंगे। ये मिट्टी की है, ये काफी देर तक इसने ऐसे धनिया नहीं इसमें डालना, हाँ धनिया भी डालना है इसमें, धनिया भी डाल दें इसको फिर खोलेंगे जब हमने खाना होगा। ये धनिया हमारा ग्रीन हो चुका है, दिखाएं हाय 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 क्या लुक है। आप शक्ल देखे, आप लोग देखें कैसी जबरदस्त आई है, देखें माशाल्लाह ये बबलिंग करती हुई। बस अभी से ना चूल्हे को बंद कर, ये जो हमारा काम स्टार्ट हो गया, हमने चटाई ऊपर बिछा ली है। एक और तय खोल दे बस, हाँ परे कर दो इसको थोड़ा सा खींच के ना उधर मिमी की तरफ कर दो, फिर ज्यादा बेहतर लगेगा। बस ठीक है, हमारा जो गार्डन है ना उसमें येलो रोज कितने प्यारे खिले हुए हैं देखें, और साथ जो है ना हमारी ये टमाटर और कुछ चीज़ें हमने लगाई हैं, ये भी हमारी रेडी हैं। प्याज वगैरह जो है ना बन रहा है अभी, टमाटर और मेथी वगैरह और धनिया ये फ्रेश हमने रमज़ान के लिए लगाया था। डेली हमारी यहाँ से जो है ना इसकी पूरी होती है। हमारा सलाद पत्ता जो है ना फ्लावरिंग पे आ गया है, पालक भी हमारी फ्लावरिंग पे आ गई है, और ये मेथी ये भी पूरी ऐसे ही हो गई है। मैंने प्याज का एक ट्रायल किया था, प्याज कुछ सब्ज़ियाँ लगाई हैं, ये हमारी फूट रही हैं, और ये प्याज लगाया था ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त प्याज जो है ना ऐसे ट्रायल बेस पे हमने एक कैरी में लगाया था, इसका साइज़ चेक करें आप। हमारा तंदूर का सेटअप रेडी हो गया, ये इसकी चिमटियाँ जो हैं लगाने वाली ये धो के भी रख दी हैं, और यहाँ पे जो है ना रोटियों का सारा बेलने का सेटअप रेडी है। एक मिनट भी नहीं लगता है रोटी, अभी एक ही लगाते हैं, ज़्यादा तजर्बा कर नहीं, अभी एक ही रोटी लगाते हैं एट ए टाइम। दिखाओ ये माशाल्लाह हमारी रेडी होगी रोटी, इसको निकालते हैं अभी माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटी है हमारी। फिर जो है ना हमारा रोटियों का काम ख़त्म हो गया और रफ्तारी का काम जो है ना अभी चल रहा है, अभी फ्रूट वगैरह काटा जा रहा है, बच्चे सारे रेडी होकर बैठ गए हैं माशाल्लाह। इधर देखो सारे बच्चे अभी ये हो गए हैं, और मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ हमारी कढ़ाई की फाइनल माशाल्लाह, ये देखें इतनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। साथ में टैंग हो गया, नहीं जामे शीरी हैं, साथ में डाला हुआ है इसमें ये पुदीने का रायता है और तंदूरी रोटियाँ हैं वो हमने दिखाएंगे आपको खाने के टाइम पे, रिव्यू देंगे साथ। और जो है ना बेबी और सब बच्चे रेडी हो गए हैं, अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, बस 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट के बाद जो है ना फिर हाँ दुआ मांगो सारे बच्चे। ये जी हमारी इफ्तारी होने वाली है, दुआ मांगे पहले बिस्मिल्लाह। सात लाल शरबत
ये मुझे वो सादा पानी पकड़ा दे दे गिरफ्तारी हो गई है। अब इस वक्त जो ना हमारी कढ़ाई की ये सिचुएशन है, ये देखे ये जो ना बच्चों को ठंड लगना शुरू हो गया। आज मौसम कुछ ठंडा है काफ़ी, परेशान की तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। माना साहब ऐसे केस लेके बैठ गई है और अभी फ्रूट पे हमने जाना तकबीर पढ़नी है। फट फ्रूट को उठा के रखें सेंटर में, इसका भी कुछ करें जरा नहीं। ये रह गया अभी इसके साथ जो ना तिया पंचक, इसके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं और अगली लोग तो अभी तक बिजी हैं। और फाइनल सिचुएशन पे मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसको हांडी को फिनिश कर दें। नहीं बहुत मजे की बनी है। मम्मी क्या कह रही है मम्मी बताओ, होटल जैसा खाना बना, होटल जैसा खाना बना, मजा आया। अभी आज हमने जो मैदे की रोटियां बनाई है ना उसमें हमने 50% आटा जो फुल ग्रेन होता है, फुल यानी कि क्या कहते हैं उसको, होल व्हीट आटा, और 50% जो ना हमने 50% उसके अंदर हमने जो ना वो मैदा शामिल करके उसकी रोटियां बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का जो ना आपको ट्रिक है। अभी नीचे जाएंगे फिर चाय पियेंगे, उसके बाद इख्तिताम करेंगे आज के ब्लॉग का।